हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। पिछली वीडियो में आपका 10th जो चैप्टर था डेफिनेट इंटीग्रल, उसकी एप्लीकेशन चल रही थी, वो आपकी कंप्लीट हो गई थी। आज हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, 11th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो 7th चैप्टर से हमने डेरिवेटिव पढ़ना शुरू किया था, 9th में इंटीग्रेशन पढ़ा था। अब 7th से लेकर 7th 8th 9th 10th 11th इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपका लास्ट लगा लो, उसके बाद आपका वेक्टर 3D वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा बेटा। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हमने डेरिवेटिव के अंदर पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे बेटा वाई जो है ना, वाई वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स होता है इनडिपेंडेंट वेरिएबल। और डी वाई बाई डी एक्स को क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक्स से, वाई से और डी वाई बाई डी एक्स से, डिपेंडेंट वेरिएबल से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से और डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इससे जो हम इक्वेशन लिखेंगे उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, जैसे आप 9th 10th में पढ़ते थे पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते थे, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है 2 है 3 है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम डिग्री भी निकालेंगे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, नॉर्मली जैसे हमने यूँ लिख दिया डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में 4xy=0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव आप चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें हम सबसे फर्स्ट तो पढ़ेंगे, आपसे पूछा जाएगा बेटा ऑर्डर, कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दी गई है हमें उसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव की बात करें तो वो आपका सेकंड डेरिवेटिव है, तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड बेटा हमसे पूछी जाएगी डिग्री, डिग्री डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, पूरी एक्सरसाइज में हम यही प्रैक्टिस करेंगे ऑर्डर डिग्री निकालने वाली, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 2 था, उसकी पावर कितनी है, 1, तो बेटा इसकी डिग्री जो है ना वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक हमसे पूछा जाएगा लीनियर, लीनियर है या नॉन लीनियर है, लीनियर या नॉन लीनियर। सुनो बेटा, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है उसको चेक करना है लीनियर या नॉन लीनियर। एक तो ये ध्यान रखो, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 या 2 से ग्रेटर है, डिग्री 2 या 2 से ग्रेटर है तो सीधा कह दो नॉन लीनियर है। लेकिन अगर डिग्री 1 भी है ना, तो हम सीधा नहीं कह सकते कि डिग्री 1 है तो लीनियर है, उसके लिए आपको साइड में 2-3 बातें और चेक करनी पड़ेंगी। देखो बेटा, अगर डिग्री 2 या 2 से ग्रेटर तो नॉन लीनियर, लेकिन अगर डिग्री 1 है तो उसके साथ आपको क्या देखना है बेटा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था ना, वो आपका 1 से बड़ी पावर में नहीं आना चाहिए। दूसरा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डी वाई बाई डी एक्स कह दो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कह दो, इनकी जो पावर है ना वो भी 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, मतलब लीनियर के लिए 1 होनी चाहिए। दूसरा, हमें कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोडक्ट में नहीं मिलने चाहिए। अगर हमें ये प्रोडक्ट में मिलेंगे तो हम कहेंगे वो लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है तो फिर कैसे है, नॉन लीनियर। मेरे कहने का मतलब है, डिग्री अगर आपकी 1 है तो आप सीधा ये नहीं कह सकते कि वो लीनियर है, लेकिन डिग्री 2 या 2 से ग्रेटर है तो आप सीधा कह सकते हो वो नॉन लीनियर है। अब हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करते हैं 11.1। देखो बेटा, इसमें डिग्री ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये लिख रहा है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्टेट वेदर दीज आर लीनियर और नॉन लीनियर। बेटा लिख रहा है कोस एक्स डी एक्स प्लस में कोस वाई डी वाई इक्वल टू 0। पहले तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, कोस एक्स डी एक्स है उधर ले गए तो माइनस में कोस वाई डी वाई, उसके बाद डी वाई के नीचे आप क्या ले जाओ, डी एक्स,
डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई के नीचे डी एक्स ले आए, ये टर्म हम चाहे इधर थी नेगेटिव ले जाओ, चाहे नेगेटिव साइन को आप उधर भेजना चाहो तो उधर भेज सकते हो। तो हमारे पास देखो बेटा, ये जो कोस वाई था ये यहीं लिखो, डी वाई के साथ था, और उधर रह जाएगा माइनस का कोस एक्स। आप इसको इधर भेजना चाहो तो भेज सकते हो, लेकिन फिर भी आप इसको कैंसिल तो नहीं कर सकते, एंगल क्या है अलग अलग। यानी कि मैं ये कहूँ कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में लिख दो कोस एक्स इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब आपको देखना है, अगर बात ऑर्डर की आ रही है तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वन है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा वन। अगर डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर भी वन है, तो डिग्री भी कितनी है वन है। अगर लीनियर या नॉन लीनियर की बात करते हैं, ध्यान से सुनो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई में वाई की टर्म है, अगर डी वाई बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई में वाई की टर्म होती है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होगी। तो ये कैसी है, नॉन लीनियर। सेकेंड सुनो, ये लिख रहा है वन प्लस में एक्स वाई इंटू में वाई है इंटू में डी एक्स है, प्लस में वन माइनस एक्स वाई इंटू में एक्स है डी वाई है इक्वल टू जीरो। इसको भी हम प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो बेटा, वन प्लस में एक्स वाई इंटू में वाई, चाहे वाई को आप भले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर ले आए तो वन माइनस एक्स वाई इंटू में एक्स है और यहाँ डी वाई है। डी वाई के डिवाइड में मैंने एक्स को भेज दिया, डी एक्स को भेज दिया, तो वन प्लस में एक्स वाई, बाहर यहाँ वाई था, इधर माइनस वन माइनस एक्स वाई इंटू में एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स है। अगर इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो वन माइनस एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का हो जाएगा, और वहाँ पे पहले से वन प्लस एक्स वाई वाई था, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कर सकते हो। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अगर ऑर्डर की बात करें तो बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव सिर्फ एक बार हो रखा है, तो ऑर्डर कितना है वन। अगर डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है वन, तो डिग्री भी क्या है वन। लेकिन डिग्री को वन देखते हम इसको लीनियर नहीं कह सकते। आप ध्यान से सुनो, जब यहाँ वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर बनेगा। हमने क्या कहा था, वाई की पावर वन से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो, y की टर्म dy वाई बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई में भी है, तो फिर ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, नॉन लीनियर। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर है, प्लस में y इंटू में dy वाई बाई डी एक्स है और माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है। अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ कितना है टू, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा टू। अगर बात डिग्री की चल रही है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है वन, तो इसकी डिग्री क्या है वन। अब बात आई लीनियर या नॉन लीनियर, तो देखो और तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है वाई की मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, तो फिर ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ, ये कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स है, उसकी पावर है फोर, प्लस में थ्री वाई डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर है और इक्वल टू हमारे पास है जीरो। ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले बात अगर ऑर्डर की आती है बेटा, यहाँ भले ही पावर फोर हो, डेरिवेटिव एक बार ही हो रखा है, और यहाँ पर डेरिवेटिव कितनी बार है, दो बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगा टू। जब बात डिग्री की आएगी तो डिग्री में हम पावर देखते हैं, यहाँ पर पावर कितनी है वन और यहाँ पर पावर कितनी है फोर, तो डिग्री का काम फोर नहीं करेगा, वन ही करेगा। डिग्री हमें वहाँ से पता चलती है जो ऑर्डर के लिए काम करता है, ऑर्डर हमें यहाँ से पता लगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है ना वो डिग्री होती है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर नहीं थी, यानी कि डिग्री कितनी है वन। अब आपसे पूछा जाए लीनियर या नॉन लीनियर, तो बेटा ये नॉन लीनियर है। किस वजह से, एक तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए थी, दूसरा वाई की टर्म इस डेरिवेटिव वाली टर्म की मल्टीप्लाई में नहीं आनी चाहिए थी, तो ये कैसी है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर देखो फिफ्थ, ये कह रहा है एक्स इंटू वाई है डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर
प्लस में एक्स डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वेयर है और माइनस में वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर यहाँ पे बात ऑर्डर की हो रही है तो ऑर्डर यहाँ से पता लगेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर कितना है बेटा? टू। अगर हम डिग्री की बात करें, देखो यहाँ पावर वन है, यहाँ पावर टू है, लेकिन ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो उसकी पावर देखनी है जो ऑर्डर का काम करता है। तो डिग्री कितनी है? वन। और लीनियर या नॉन लीनियर की बात करें तो साफ दिख रही है नॉन लीनियर है। डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक से बड़ी नहीं हो सकती और वाई की टर्म इस डेरिवेटिव वाली टर्म के मल्टीप्लाई में नहीं आनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं है तो ये लीनियर ना होके क्या हो जाएगी? नॉन लीनियर। फिर देखो बेटा सिक्स्थ, अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर है, साथ में डी एक्स, प्लस में अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर है, डी वाई इक्वल टू जीरो। पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स बराबर माइनस अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई। रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर तो यहीं रख लो, डी एक्स को जब हम डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड ले जाओ तो अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस का हो जाएगा और प्लस में रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर था, ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो अगर बात ऑर्डर की करते हैं तो ऑर्डर तो बेटा यहाँ पे वन है, डेरिवेटिव सिर्फ एक बार ही हो रखा है। डिग्री भी हमारी क्या है? वन है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर वन है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है। किस वजह से? वाई की जो टर्म है ना वो डी वाई बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई में है, इसलिए क्या है? नॉन लीनियर। नेक्स्ट देखो बेटा सेवन्थ, जब हमने सेवन चैप्टर किया था ना तब आपको इस नोटेशन के बारे में बताया था, वाई डबल डैश का मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव, प्लस में थ्री वाई डैश का स्क्वेयर है, प्लस में फाइव बराबर जीरो, उसने साइड में लिख भी रखा है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में थ्री डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर और प्लस में फाइव बराबर जीरो। और अब अगर हम इसका ऑर्डर और डिग्री बताना चाहें तो ऑर्डर है बेटा टू, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री है बेटा वन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, ना कि आप ये देखोगे। और बेटा ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक से ज़्यादा है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर एट्थ, ये कह रहा है वाई इक्वल टू पी एक्स, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन भी आपको, प्लस में हमारे पास है अंडर द रूट ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, ठीक है, और p के बारे में इसने बता रखा है p dy वाई बाई डी एक्स है। तो पहले आप p की जगह dy वाई बाई डी एक्स रखो। एक बेटा जब भी हम डिग्री वगैरह बताते हैं ना तो हमारा जो dy वाई बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये रेडिकल और फ्रैक्शंस जो पावर है ना उनसे फ्री होना चाहिए। मतलब इसकी पावर अगर 1 बाई टू 1 बाई थ्री है तो पहले आप उसको सोल्व करो और उसके बाद ही हम उसकी ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। ये बात मैं यहाँ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब तुम यहाँ पे p की जगह dy वाई बाई डी एक्स रखोगे तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स इंटू में dy वाई बाई डी एक्स अंडर द रूट ए स्क्वेयर और यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर। इस पूरे के ऊपर 1 बाई टू पावर है और ये वाली जो टर्म है ये आपकी फ्रैक्शन से या रेडिकल जो पावर है उनसे फ्री होनी चाहिए। यानी कि पहले हमने क्या किया, x dy वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में ले गए, वो माइनस की हो जाएगी और उसके बाद इस रूट को हटाने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया, y माइनस एक्स dy वाई बाई डी एक्स का तो हो जाएगा होल स्क्वेयर और यहाँ पे a स्क्वेयर dy वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर और प्लस में रह गया b स्क्वेयर क्योंकि इसका रूट क्या हो गया? कैंसिल। अब इस पावर को आप खोलना चाहो खोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है, उसने कहा था फ्रैक्शन में जो पावर है वो हटानी जरूरी है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है, आप पावर खोलोगे तब भी डेरिवेटिव तो फर्स्ट ही रहेगा। अगर हम बात ऑर्डर की करते हैं तो ऑर्डर हमारा वन है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की टू पावर है बेटा, अगर इसमें स्क्वेयर खोलेंगे तो यहाँ पर भी टू ही पावर आएगी, यानी कि डिग्री कितनी है? दो है। और डिग्री अगर दो है तो कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कह दो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी? नॉन लीनियर।
नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा है, वही ऑर्डर डिग्री पूछ रहा है। तो ऑर्डर डिग्री बताने से पहले हम इस राइट साइड के रूट को हटाएंगे। रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आ जाएगा और राइट साइड 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स। अब आप बता सकते हो बेटा यहाँ ऑर्डर जो है वो 2 है, कहाँ से बताया, यहाँ से। डेरिवेटिव कितनी बार हो रखा है, 2 बार। अगर बात डिग्री की है तो ध्यान से देखना है, जो ऑर्डर बताता है वही डिग्री बताएगा, तो उसकी पावर कितनी है, 2। तो डिग्री कितनी है, 2। और अगर डिग्री 2 है ना बेटा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, नॉन लीनियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10th, वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब है और उस पर रूट है। तो इस रूट को तो सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए क्या किया, y के माइनस में dy वाई बाई डी एक्स को ले गए और रूट हटाने के लिए जब स्क्वेयर करेंगे तो राइट साइड वाली टर्म पे से तो रूट हट जाएगा और उधर स्क्वेयर लग जाएगा, ये आ गया भाई। अब बता सकते हो आप, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो कहीं चेक कर लो, चाहे स्क्वेयर खोल लोगे तब भी डेरिवेटिव तो एक बार ही हो रखा है। अब आपको ध्यान रखना है डिग्री, बेटा जब आप खोलोगे ना तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की 2 पावर आ सकती है और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की कितनी पावर है, 3। तो अब आपकी बड़ी वाली पावर ली जाएगी, क्योंकि ऑर्डर चाहे यहाँ से बताएं चाहे यहाँ से बताएं, तो डिग्री है बेटा 3 और डिग्री 3 है ना, तो सोचना ही नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, नॉन लीनियर। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11th, 1/x है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर है इक्वल टू ई की पावर एक्स, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर हम बात ऑर्डर की करें तो ऑर्डर कितना है, 2। डेरिवेटिव कितनी बार हो रखा है, 2 बार। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर पावर देखते हैं तो पावर कितनी है, 1, यानी कि डिग्री कितनी है, 1। अब ध्यान से देखो, डिग्री 1 है तो हमें चेक करना पड़ेगा। हमने देखा कहीं पर भी वाई की पावर एक से बड़ी नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर भी एक से बड़ी नहीं है, वाई की टर्म भी डी वाई बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई में नहीं है। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, लीनियर है। कैसी है, लीनियर। नेक्स्ट देखो बेटा 12th, देखो वेरिएबल चाहे एक्स वाई चले चाहे एस टी चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है प्लस में 3 टाइम्स ऑफ डी एस अपॉन में डी टी उसका क्यूब है प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ऑर्डर तो हो जाएगा 2 और ऑर्डर 2 है ना, तो डिग्री हम यहीं से बताएंगे, 3 नहीं ले सकते आप, डिग्री हमारी 2 है और डिग्री 2 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, नॉन लीनियर। नेक्स्ट देखो बेटा 13th, ये कह रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है भाई, कोस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बेटा डिग्री हम उसी की बता सकते हैं जो पॉलिनोमियल होता है, डिग्री हम उसी की बता सकते हैं जो पॉलिनोमियल होता है। जैसे तो यूँ लिखा जाए एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x+1 = 0, इसकी डिग्री बताओ तो हम कहेंगे इसकी डिग्री 2 है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। एक आपसे कोई यूँ कहे एक्स स्क्वेयर प्लस में 5 sin x + 7 = 0, इसकी डिग्री बताओ तो हम कहेंगे इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। ये जैसे एक्स वेरिएबल में चल रही है, पॉलिनोमियल अगर होती तो ये जो एक्स जो वेरिएबल है ना, किसी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल का काम नहीं कर सकता, किसी एक्सपोनेंशियल की पावर में नहीं जा सकता, लॉगरिथमिक में बेस का काम नहीं कर सकता, यानी कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसमें आपके वेरिएबल के लिए कौन काम करता है, डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। देखो यहाँ पर जब आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर तो 2 है क्योंकि डेरिवेटिव कितनी बार हो रखा है, 2 बार। जब आपसे डिग्री पूछी जाएगी तो आप आंसर में 2 नहीं कह सकते। आप इसको ध्यान से देखो, अगर ये डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है तो ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का काम नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पर जो डिग्री है ना वो डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड। और बात अगर लीनियर नॉन लीनियर की है तो ये नॉन लीनियर है क्योंकि डबल डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखो बेटा 14th में कहते हैं वाई डबल डैश का क्यूब, यानी कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर उसकी पावर है 3
प्लस में डी वाई बाई डी एक्स है उसका है स्क्वेयर, और जो ज़रूरी बात है वो ये है साइन वाई डैश यानी कि साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बराबर जीरो। बेटा जैसे हमने इसको लिखा ना तभी हमारे दिमाग में आ गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। हाँ ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर कितना है इसका, टू। अगर लीनियर नॉन लीनियर पूछा जाए तो ये नॉन लीनियर है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी दो पावर है, यहाँ पर तीन पावर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन 15th। वन प्लस में डी वाई बाई डी एक्स है उसकी पावर 3 है और पूरे की पावर 4/3 है, और राइट साइड पी इंटू में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है। बट जो फ्रैक्शन में पावर है ना इसको सोल्व करना ज़रूरी है, हमें प्रॉब्लम 4 से नहीं है, हमें इस 3 से है। तो इसको हटाने के लिए, मतलब यूँ कहो कि क्यूब रूट को हटाने के लिए हमने बोथ साइड क्यूब कर दिया, तो यहाँ तो 3 कट जाएगा और यहाँ पे आएगा पी क्यूब डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर का क्यूब। ठीक है, अब देखो अगर ऑर्डर बताते हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव एक बार हो रखा है, यहाँ डेरिवेटिव कितनी बार है, दो बार, तो ऑर्डर कितना है, टू है, ऑर्डर है दो। अब देखो जैसे ये 4 अगर हम अंदर भेजेंगे बेटा तो हो सकता है आपकी 12 पावर तक भी चली जाए, लेकिन भले ही जाए ऑर्डर यहाँ से पता लगा है तो डिग्री भी तो यहीं से देखी जाएगी। तो बेटा हमारी डिग्री कितनी है, 3, और अगर डिग्री 3 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, नॉन लीनियर। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसके अंदर आपको यही बताना है डिग्री, ऑर्डर, लीनियर और नॉन लीनियर।